दोस्तों जब हम किसी बिजनेस की 31 मार्च तक अकाउंटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हम तैयारी करते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने की। जैसे उस कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना, कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करना। और जब हम उस कंपनी की फाइनल बैलेंस शीट बना लेते हैं तो आपने देखा होगा कंपनी की जो हमारा एक साइड लायबिलिटी साइड होता है, दूसरा एसेट साइड होता है, तो इन साइड का दोनों साइडों का जो फाइनल टोटल होता है वो हमेशा बराबर रहता है। तो अगर इनमें कोई डिफरेंस आ जाए तो हमें पता कैसे चलेगा, और ये दोनों साइड का जो टोटल हमेशा बराबर आता है इसका कारण क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन सभी टॉपिक पर प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, ये दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा बराबर ही क्यों रहता है। तो अगर आप भी हमेशा परेशान रहते हो बैलेंस शीट को बनाने के लिए कि बैलेंस शीट किस प्रकार से बनती है, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड जाता है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इन 5 टॉपिक से ही पूरी बैलेंस शीट का मतलब समझा देंगे। अगर आज की इस वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देख लिया तो आपको आपके सामने जो कितने भी किसी भी कंपनी का कितना भी बड़ा कोई डाटा आ जाए तो आप उस कंपनी की आसानी से बैलेंस शीट बना दोगे, यानी कि उसकी कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो आप इजीली फाइनल तैयार कर दोगे। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलर एक एक लाइन को समझेंगे कि इस लाइन से हमारी बैलेंस शीट पर क्या फ़र्क पड़ता है, सेकेंड एंट्री करने के बाद में बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, तीसरी, चौथी, पांचवी, और सब इन पॉइंट को हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट बनाने का नहीं है, बल्कि बैलेंस शीट को समझने का टॉपिक है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विशेषकर उन अकाउंटेंट लोगों के लिए जो हमेशा परेशान रहते हैं भी बैलेंस शीट क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल कैसे किया जाते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी बातें प्रैक्टिकल व्यू के अंदर समझने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर दबा लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक मैंने बैलेंस शीट को समझने का बनाने का नहीं है, अगर आपने बैलेंस शीट को समझ लिया तो बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। देखो, अब सबसे पहले अपने बात करते हैं किसी भी टॉपिक को लेने से पहले। अब देखो, हमारी जब भी हम किसी भी कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हमारा कोई भी वाउचर की एंट्री हम करते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ जाता है, सीधा सीधा 4 पॉइंट पे इफेक्ट करेगा। कौन सा भी उस एंट्री से, यह तो आपकी कोई इनकम बढ़ रही है या कोई घटेगी, दूसरा उसके अंदर आपका एक्सपेंसेस, यह तो उसका आपकी कंपनी से उस एंट्री से खर्चा बढ़ेगा या खर्चा घटने वाला है, तीसरा उस एंट्री से आपकी यह तो लायबिलिटीज़ बढ़ेगी या लायबिलिटीज़ घटने वाली है, चौथा एसेट्स का उस एंट्री से यह तो आपकी एसेट बढ़ेगी या एसेट आपकी घटेगी। बस ये 4 मेन टॉपिक है जिसके ऊपर अकाउंटिंग का पूरा खेल टीका हुआ है। अब सबसे पहले एंट्री अपने देखते हैं, और आप ये मान के चलो भी आपने कोई भी कंपनी करी, आपने एक ये मान के चलो भी एक छोटी सी दुकान आपने करी है और आपके पास दुकान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, आपके पास में बिल्कुल 0 रुपये, आपने 1 रुपया भी उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो जैसा कि हमने पहला पॉइंट लिखा भी गुड्स परचेज फ्रॉम ABC ट्रेडर्स, यानी कि हमने ABC ट्रेडर्स से 10,500 रुपये का सामान खरीद लिया उधार में, क्योंकि पैसे तो हमारे पास में है नहीं, तो हमने 10,500 रुपये का ABC ट्रेडर्स से क्या हुआ, सामान खरीद लिया। अब देखो इस लाइन का मतलब समझते हैं क्या हो रहा है। अब ABC ट्रेडर्स कौन हो गया, ये एक दुकानदार है, ठीक है, ये एक दुकानदार हो गया, और अकाउंटिंग की भाषा में एक बात करें तो ये कौन सा हो गया, एक तरीके का पर्सनल अकाउंट है। और गुड्स परचेज यानी कि हमने सामान खरीदे, सामान हमारे पास आ गया, तो अब ये क्या हो रहा है भी सामान जो हमने परचेज करी है ये परचेज हमारी कंपनी के लिए क्या हो रही है, एक तरीके से डायरेक्ट खर्चा हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब आप कंपनी देखोगे भी आपने जो 10,500 रुपये का जो सामान खरीदा है तो इसका मतलब क्या हो गया भी आपने कर्जा कर लिया ABC ट्रेडर्स से, आपके ऊपर 10,500 रुपये का कर्जा हो चुका है, तो ये आपने कर्जा किसके अगेंस्ट में किया है भी आपने परचेज करी है, ठीक है। अब देखो एंट्री तो कर ली भी आपने परचेज किया, खर्चा हो गया, और ABC ट्रेडर्स को अभी तक आकर के उसकी पेमेंट देनी है क्योंकि सामान आपके पास आया है, तो परचेज को हम डेबिट करते हैं और खरीदा किसी ABC ट्रेडर्स जो हमारे को सामान दे रहे हैं देने वाले को अपने क्रेडिट करते हैं,
अब इसकी एंट्री अपने टैली सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। अभी तक केवल मैंने लेजर तैयार किया, आप देखो वाउचर एंट्री मैंने कोई भी नहीं करी, यहाँ पे आपके सामने लिखा रहा है नो वाउचर एंटर्ड। सबसे पहले अपने वाउचर की एंट्री कर लेते हैं। वाउचर पे गया, मैं परचेज कर रहा हूँ, पार्टी का नाम मैंने ABC ट्रेडर्स लिख दिया, परचेज काउंट सेलेक्ट कर लिया और आइटम मैंने माउस की बना दी और यहाँ मैंने क्वांटिटी डाल दी 20 और अमाउंट हमारे पास कितनी है 10,500 रुपये का, ठीक है। तो ये हम 10,500 रुपये की अमाउंट डाल दें। अब देखो इससे क्या हो रहा है भी 525 रुपये का एक पीस हमें माउस का घर पे आ रहा है। एंट्री एंटर मार के हमने इस वाउचर को सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो इस एक सिंगल लाइन से क्या इफेक्ट पड़ा भी, एक तो आपका 10,500 रुपये से खर्चे और दूसरी साइड आपका 10,500 रुपये से आपका कर्जा बढ़ गया। अब इसके अपने बैलेंस शीट को देखते हैं। अब देखो खर्चा आपको कहाँ दिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मैं Alt+F1 के साथ डिटेल ओपन करता हूँ। तो अब यहाँ देखोगे आप तो आपके पास में ये 10,500 रुपये का परचेज आपने कर ली और 10,500 रुपये का अभी भी आपके पास में AGT जो स्टॉक बचा हुआ है। सिंगल एंट्री से अभी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने परचेज ही किया है। तो ये आपका खर्चा आपको दिख रहा है परचेज का, ठीक है। इससे क्या हो गया आपका एक्सपेंसेस बढ़ गया। अब चलते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आप कह रहे हो देखो ये हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी एसेट साइड है। अब इस एसेट साइड के अंदर देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड देखो। लायबिलिटी का मतलब हो रहा है आपका एक तरीके से टोटल देनदारी, आपके ऊपर कर्जा कितना है। अब कर्जा का अगर फाइनल टोटल देख लो यहाँ पर तो ये 10,500 है और इस साइड में भी आपका 10,500 है। तो यानी कि अब बैलेंस शीट क्या कह रही है, इस सिंगल लाइन से बैलेंस शीट कह रही है भी आपके ऊपर भी 10,500 रुपये का कर्जा है, यानी कि आपने लोगों के पैसा देने हैं तो आप ये चुकाओगे कैसे। तो अगर अपने बराबर एसेट में आके देखेंगे तो हम क्या कहेंगे भी अभी तक हमारे पास में स्टॉक बचा हुआ है, 10,500 रुपये का कर्जा है तो हमारे पास में 10,500 रुपये का स्टॉक भी तो बचा हुआ है। हम इस स्टॉक को सेल को मतलब जो हमारे पास स्टॉक पड़े हैं इसको बेच के और हम इसका कर्जा उतार देंगे। तो आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे बराबर आ रही है भी अगर आपके पास कर्जा है तो कर्जे को उतारने का आपके पास में सोर्स क्या है, हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। तो आप इस लाइन से समझ गए होंगे भी जो हमने गुड्स जो परचेज करी है, परचेज करने से क्या होगा खर्चा आ गया और इधर कर्जा बढ़ गया। लेकिन अब इसको कर्जे को उतारेंगे कैसे, जो हमने सामान खरीदा है इसको बेच के इसका कर्जा उतारेंगे। सेकेंड लाइन हमारी है गुड सेल टू सुमित, यानी कि 1290 रुपये का हमने सामान बेच दिया इस 10,500 में से, ठीक है। अब सेल करिए, परचेज हमारा खर्चा है तो सेल हमारी क्या हो जाएगी डायरेक्ट आय, यानी कि डायरेक्ट इनकम हमारी बन जाएगी। बेचा किसको है, सुमित को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भी हमारी 1290 रुपये की इनकम आ रही है, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, सेल के अगेंस्ट में। और सेल को बेचा है किसको, सुमित को, यानी कि ये हमारी इनकम हुई है। तो हम सुमित से ये बोलेंगे भी 1290 रुपये अभी हमने सुमित से पैसा लेना है। अब ये एंट्री करने के बाद देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। अब अपने सेल पर चलते हैं, वाउचर एंट्री करेंगे, F8 मैंने सेलेक्ट कर दिया, सुमित को सेलेक्ट करेंगे, लेज़र को सेल का लेज़र सेलेक्ट कर दिया और वापस मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल कर दिया। अब मान लीजिए मैंने 5 प्रोडक्ट जो सेल कर दिए 1290 रुपये के, सॉरी इसके अंदर आपने सेलेक्ट करते हैं 2 पीस 1290 रुपये के, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या हो गया, 645 रुपये एक माउस की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। एंट्री एंटर मार के अपने इसको सेल करते हैं। अब अपने सबसे पहले देखते हैं भी इसका हमारे दो चीज़ पहले आपको देखनी है जो अभी हमने डिस्कस किया था, इनकम और एक्सपेंसेस। अब ये एंट्री जो हमने करी है इसके ऊपर हमारे बुक्स बैलेंस शीट पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखो अभी हमने जो गुड्स परचेज किया था 10,500 का उसमें से 1290 रुपये का हमने सेल कर दिया, तो अभी क्या हो रहा है 9450 रुपये का स्टॉक अभी भी हमारे पास में बचा हुआ है। 10,500 की परचेज है, 1290 की इनकम है, तो ये 9450 स्टॉक बच गया। अब इसमें क्या हुआ, 240 रुपये का हमारी कंपनी को अभी इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1290 रुपये का सामान बेचने पर। क्यों हुआ, इंटर मार के देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से पता चल जाएगा, हमने माउस खरीदा, एक माउस हमें 525 रुपये की कॉस्ट का आ रहा था, ठीक है। इसी माउस को हमने सेल कर दिया, दो पीस हमने सेल कर दिए, ठीक है। और ये दो जो सेल किए हैं ये 645 रुपये के हिसाब से सेल किए, इनके 525 की परचेज है, 645 रुपये का एक को सेल कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि जो हमारा सेल रेट है वो परचेज रेट से ज़्यादा आ रहा है।
स्टॉक की बात करें तो स्टॉक अभी आप देखोगे तो हम अपने 20 पीस परचेज किए थे, दो हमने सेल कर दिए, इसके अंदर हमारे 18 पीस अभी भी बचे हुए हैं 9,450 रुपये। ये भी तो कभी बिकेगा स्टॉक। अब अपने बैलेंस शीट पर चलते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या हुआ, देखो कर्जा अभी भी आपका 10,500 ही पड़ा है, क्योंकि अपने कर्जे को उसको पेमेंट करी थोड़ी है। अब यहाँ आपका कह रहे हैं कि क्लोजिंग आपके पास बच गया 9,450 रुपये का, और ये 1,290 रुपये सेंडी डेप्टर में आ गया। सेंडी डेप्टर का मतलब क्या बन गया, भी अभी ये पैसा अभी हमारे कस्टमर से हमें लेना है, ये हमारी एसेट्स है जो बढ़ रही है। टोटल अभी आप देखोगे यहाँ पे 10,740 का है, ठीक है। अभी आप इसको 240 रुपये को छोड़ दो, ठीक है। अब आपका देखो कर्जा यहाँ पर कितना है, 10,500 रुपये का। तो अब बात आएगी भी आप इस 10,500 रुपये को कर्जे को उतारोगे कैसे, तो अपने क्या बोलेंगे भी अभी हमारे पास में 9,450 रुपये का तो स्टॉक बचा हुआ है, वो भी बेचेंगे तो वो पूरा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में 1,290 रुपये हमें मार्केट से भी पैसा कलेक्ट करना है, यानी कि हमारे सेंडी डेप्टर जो हमारे कस्टमर हैं उससे पैसा हम लेने। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10,740 रुपये का टोटल आएगा, लेकिन लोगों का पैसा देना कितना भी 10,500 का। तो अब मतलब आपके पास में 10,740 रुपये तो आएंगे, लेकिन आपने मार्केट में 10,500 रुपये का ही भुगतान करना है, तो बचा कितना 240 रुपये। अब ये 240 रुपये आपकी इनकम हो चुकी है, यानी कि ये आपकी एक बचत है 240 रुपये। तो अब यहाँ से आपका क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए जिस स्टॉक को जिस रेट से खरीदा था उसी रेट में अगर आप बेचोगे तो क्या हो जाएगा, आपको नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है। अभी आपने स्टॉक को बेचे हैं, प्रॉफिट लेके बेचे हैं, तो जितना प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल में ऐड होता जाएगा, यानी कि अब ये पूंजी आपकी 240 रुपये की अब आपकी पूंजी बन चुकी है। तीसरी एंट्री जो हमारी थी बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमित, यानी कि सुमित से अब हमने 1,000 रुपया प्राप्त कर लिया। अब इसमें क्या होगा, कैश रिसीव्ड यानी कि पैसा हमारे पास में आ रहा है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारी एसेट्स बढ़ रही है, ठीक है ना। हमने परचेज किया था, ये एक्सपेंसेस था, सेल करी हमारी इनकम होगी, और अब हमारा ये जो केस है, अब केस हमारे पास में आ रहा है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारी एसेट्स बढ़ रही है। और यहाँ पर सुमित हमें दे रहे हैं, तो अब हमारे से क्या होगा, जो हमारे सेंडी डेप्टर है वो कम हो जाएंगे। अब ये चीज़ बढ़ रही है तो हमारे जो मार्केट से जो हमारी लेनदार थी वो अब हमारी घट रही है। इस एंट्री को अपने करके देखते हैं, वाउचर पे चलते हैं, पैसा हमारे को रिसीव हुआ है तो इसकी ड्रिम F6 रिसीव ने करते हैं, कैश को अपने डेबिट करेंगे और सुमित के अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, अमाउंट इसकी 1,000 रहेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इस एंट्री करने के बाद में हमारे खर्चों पे क्या फ़र्क पड़ा, सबसे पहले वो देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चला, अभी भी देखो हमारे इस एंट्री से हमारे खर्चों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस एंट्री से हमारी एसेट्स बढ़ी है, ठीक है। कोई हमारा एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा, कोई हमारी इनकम नहीं हुई इस लाइन से, तो खर्चा अभी भी हमारा 10,500 पड़ा है, सेल अभी भी हमारी 1,290 रुपये की है, और स्टॉक अभी भी 9,450 रुपये का बचा है, और प्रॉफिट अभी भी हमारे को 240 रुपये का ही आ रहा है। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट पे। अब देखो बैलेंस शीट पे क्या पड़े, कर्जा अभी भी आपका 10,500 पड़े है जो आपकी लाइबिलिटी है। अब इस साइड में देखो क्या हो रहा है, अब क्लोजिंग स्टॉक भी 9,450 रुपये का पड़े। अब यहाँ पर आपके जो सेंडी डेप्टर थे पहले कितने थे, 1,290 रुपये के, अब वो घट के 290 रुपये रह गए। क्यों रहेंगे, क्योंकि अब इस 1,290 में से 1,000 रुपये आपने प्राप्त कर लिया, आपको 1,000 रुपये का कस्टमर वापस पैसा दे गया, इससे क्या हुआ आपका केस बढ़ गया, यानी कि पैसा आपके पास आ चुका है। अब जो हमें मार्केट से जो पैसा लेना था 1,290, अब हम कहेंगे 290 रुपये हमारा लेने वाला रह गया, यानी कि ये 1,000 रुपया सेंडी डेप्टर में से घट के केस इन एंड के अंदर एड हो गया। तो ये आपकी मार्केट से जो लेनदारी थी 1,290 रुपये की वो तो अब घट गई, और आपके पास में केस बढ़ गया, तो एसेट बढ़ गई, और एक जो हमारी मार्केट से लेनदारी थी वो घट चुकी है, ठीक है। इससे आपका कर्जे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी इनकम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी कैश पेमेंट टू ABC ट्रेडर्स को, यानी कि हमने ABC ट्रेडर्स को 800 रुपये का पेमेंट है जो कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है भी, जो हमारा कर्जा था 10,500 रुपये का, इसके अंदर हमने 800 रुपये इसको पेमेंट कर दिया, तो इस 10,500 रुपये में से हमारे जो कर्ज है वो 800 रुपये का कम हो जाएगा। और कैश पेमेंट हमने करी है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पैसा हम उसको दे रहे हैं तो पैसा हमारे से कट रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आपकी एसेट थी, यहाँ पर जो हमारी एसेट थी, अब वो तो क्या हो रही है,
घट रही है, और इधर बराबर के अंदर आपका जो कर्जा आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो भी तो आपका घट रहा है, ठीक है ना। यानी कि कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा एसेट साइड है, कैश है, जो अभी हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है 1000 रुपये का। ये देखो कैश अभी 1000 रुपये का घटा हुआ है, तो इसके अंदर अगर हम 800 रुपये का पेमेंट कर देंगे तो कैश कितना बच जाएगा 200 रुपये का। इसकी एंट्री अपने करके देखते हैं, वाउचर पे चलते हैं। अब हम भुगतान कर रहे हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का मतलब हो गया F5, कैश एंट्री कर दी। एबीसी ट्रेडर्स को हमने 800 रुपये का पेमेंट कर दिया, एंट्री एंटर करके इस वाउचर को भी सेव कर दिया। अब देखो इसमें भी हमने कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे देखते हैं। अभी भी हमारी 10,500 की परचेज है, 1290 रुपये की सेल है और 9450 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है। प्रॉफिट अभी भी 240 का HGTG पड़े, क्योंकि इसके ऊपर हमारा इनकम या एक्सपेंसेस पे इस एंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस पे नहीं फर्क पड़ा तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट पे फर्क पड़ा होगा। अब बैलेंस शीट पे देखते हैं। अब यहाँ अगर बैलेंस शीट की अगर अपने बात करेंगे तो बैलेंस शीट देखो अभी आपका क्या कह रहा है, 10,500 के बजाय अब आपके ऊपर जो कर्ज है वो 9700 रुपये का रह गया, 9700 रुपये का। अब इस 9700 रुपये को आप कहाँ से पूरा करके दोगे, तो आप क्या कहोगे भी हमारे पास अभी तक तो 9450 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है, 290 रुपये अभी भी हमने मार्केट से और लेने हैं पैसे, वो भी हमारे पास आएंगे, और 200 रुपये अभी भी हमारे पास में नकदी बचा हुआ है, तो टोटल कितना आ जाएगा 9940 रुपये आपके पास। एक तरीके से हम लोग भी केस आ गया सब कुछ लेने के बाद में और बेचने के बाद में, और इस 9940 में से आप लोगों को क्या करोगे 9700 रुपये आप अपना कर्जा उतार दोगे, 240 रुपये आपके पास में अभी भी बचत पड़ी है, इनकी ये आपका प्रॉफिट AGTG ही पड़े हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी है पांचवी एंट्री, ऑफिस एक्सपेंसेस इन केस, यानी कि हमने कोई ऑफिस का खर्चा किया है केस के अंदर, यानी कि नगद दिए तो 50 रुपये, तो अब हमारे पास केस कितनी आ रही थी 200 रुपये, इसके अंदर हमने 50 रुपये क्या किया खर्चा कर दिया, तो केस कितना बच जाएगा 150 रुपये से, और ये हमारा खर्चा है। तो अब इसमें क्या चीज़ हो जाएगी भी, इधर तो हमारा खर्चा कर रहे हैं तो जो हमारी एसेट साइड है वो भी 50 रुपये से घटेगी, और इधर हमारा जो एक्सपेंसेस है 50 रुपये से वो बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें खर्चा बढ़ रहा है, एसेट्स हमारी घट रही है। अब इसकी एंट्री अपने किस प्रकार से करते हैं, ये भी खर्चा है नगद के अंदर तो पेमेंट में एंट्री करेंगे इसकी केस, और यहाँ हम एक लेजर बना देंगे ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से, और ये हमारी कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एंट्री को सेव करते कर देंगे 50 रुपये से। अब देखो ये खर्चे से संबंधित एंट्री है, तो अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो देखो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इफेक्ट कहाँ आ गया भी, अभी तक हमारे सेल अभी भी परचेज अभी भी 10,500 की है, सेल अभी भी हमारी 1290 रुपये की पड़ी है, स्टॉक अभी भी 9450 रुपये का बचा हुआ है, हमारे को जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ था 240 रुपये का, इसके अंदर हमने 50 रुपये का खर्चा कर दिया, तो जो नेट प्रॉफिट है वो अब घट के हमारा 190 रुपये का रह गया, यानी कि अब 190 रुपये की हमारी पूंजी है जो बिजनेस के अंदर चल रही है। तो ये इफेक्ट तो आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। अब बैलेंस शीट पर चलते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर क्या हो गया, कर्जा अभी भी आपका 9700 रुपये पड़े हैं, इस साइड में देखो क्या हो गया 9450 रुपये, 290 रुपये आपका कस्टमर से लेना है आपने, 150 रुपये अब आपके पास कैश रहेगी। तो अब इन टोटल अगर अपने करेंगे तो देखो कितना आ रहा है 9890 रुपये का। अब इस 9890 में इकट्ठा करके सारा पैसा आप अपने ABC ट्रेडर्स को दे दोगे 9700 रुपये, बाकी 190 रुपये का आपका जो पैसा आपकी जेब में रहेगा, यानी कि ये आपका प्रॉफिट है। तो हर एंट्री से अगर आप देखोगे तो दोनों साइड का आपका टोटल हमेशा बराबर आता रहेगा। आई होप कि आपकी हर एक एंट्री से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारी वाउचर्स एंट्रीज होती है वो एंट्री हमारे दोनों साइड को इफेक्ट करती है, दोनों साइड का मतलब एक हमारी डेबिट साइड को और एक हमारी क्रेडिट साइड को। आज अगर अपने फर्स्ट लाइन को अगर अपने थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझें कि हमने ABC ट्रेडर से जो 10,500 रुपये का जो सामान खरीदा है, तो इसमें क्या हुआ है भी 10,500 रुपये का सामान हमारे पास में आया है, तो बराबर में ये 10,500 रुपये का ABC ट्रेडर्स का भी भुगतान करना भी बाकी है, और ये हमारे पास में क्या आ रहा है गुड्स। अब कल को कहोगे भी 10,500 रुपये का आपने सामान तो खरीद लिया, लेकिन इसका पैसा कहाँ से दोगे, तो अपने क्या कहेंगे 10,500 रुपये का जो हमारे पास सामान पड़ा है उसको बेच के पूरा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री थी भी आपने 1290 रुपये का हमने सामान बेच दिया, ठीक है ना। अब 1290 रुपये का सामान बेचने से क्या हो गया भी, ये 1290 रुपये की हमारी सेल होगी, तो बराबर में हम क्या कहेंगे ये 1290 रुपये अभी हमने हमारे कस्टमर यानी कि सुमित से अभी हमने पेमेंट लेनी है,
तो हर चीज़ आपकी एक डेबिट लेजर को और एक क्रेडिट लेजर को हमेशा इफेक्ट करेगी। और ये इफेक्ट करेगी क्या, चार पॉइंट पे, अभी जो हमने डिस्कस किया था, पहला आपकी कंपनी का खर्चा, दूसरा आपकी कंपनी इनकम के, तीसरा कंपनी की लायबिलिटी पे, और चौथा कंपनी की एसेट में। कोई ना कोई चीज़ प्लस होगी तो कोई चीज़ माइनस भी होगी, ठीक है ना। खर्चा बढ़ेगा तो हो सकता है एसेट घटेगी, इनकम बढ़ेगी तो साथ में आपकी, मान लीजिए आपने सेल करी है तो सेल करने से क्या होगा, स्टॉक आपका कम हो जाएगा, ठीक है ना। लायबिलिटी अगर आपकी कोई बढ़ रही है, यानी कि आपने कोई कर्जा कर लिया 10,500 रुपये का, तो 10,500 रुपये का आपने सामान खरीदा तो वो आपका स्टॉक भी तो बढ़ गया, इधर आपकी कर्जा बढ़ा तो आपके एसेट भी बढ़ गई। तो इसलिए हमेशा ये दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आएगा। अगर इन दोनों साइड के अंदर कहीं बैलेंस शीट में इफेक्ट आ रहा है, तो यानी कि कंप्यूटर राइट में तो फर्क आने का मतलब ही नहीं है, फर्क आएगा मैनुअल बुक्स के अंदर। और मैनुअल बुक्स में फर्क आने का मतलब हो गया भी, आपने कोई एक ऐसी एंट्री है डेबिट में तो लिख दी लेकिन उसको क्रेडिट में नहीं लिखा होगा, या क्रेडिट में लिख दी उस लाइन को अपोजिट में किसी के डेबिट के लेजर में पोस्टिंग नहीं करी होगी, या दोनों लेजर के डेबिट साइड में कर दी, या दोनों लेजरों के किसी के क्रेडिट साइड में कर दी, तो फर्क आता है। अगर आपने एक लेजर को डेबिट और उतनी अमाउंट से एक लेजर को क्रेडिट किए, तो आपकी बैलेंस शीट के अंदर फर्क आने का कोई चांस नहीं है। तो आई होप कि आज की इस 5 लाइनों से आपने बैलेंस शीट को समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।